इस इस्लामी लश्कर जिस तरह विरोध किया करता था, अल्लाह की ताईद और ईश्वर के सामने आग हुआ करती थी और आलम जबर अंदाम होता था, बड़ी बड़ी ताकतें डर गई। उस वक्त की जो थी पावरफुल, उस वक्त की आलमी ताकतें थी वो इस्लामी लश्कर के सामने नहीं कह सकती थी, उनके पाँव फट जाते थे। आज क्या है मेरे नबी के गुलाम, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों को गाजर पूरी की तरह काट दिया जाता है और कर्फ्यू लगा के उनका खाना पीना बंद कर दिया जाता है। कितने मुसलमान आबाद हैं अरबों की तादाद में, लेकिन सूरत हाल ये एक काफिर हो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा कोई नहीं, उसे डर नहीं, वो दंगा आता फिरता है। उसकी फौजी मुसलमानों की इसमें डूब रहे हैं, नौजवानों को तहे तहे किए जा रहे हैं, गोलियों से भुना जा रहा है। वजह यह है कि हमने उस पर आगे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए उस पर हाँ और मिशन को पेश नजर नहीं रखा, ये कश्मीर का हाल ना होता, अगर इस्लामी दुनिया के हुक्मरान जग जा होकर काफिर की आंखों में आंखें डाल के देखते, खुद ब खुद उस दिल हिंदू की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हालत ये है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ आम के लिए तैयार नहीं, एक हुक्मरान बात करता है, दूसरा अपने ताल्लुकात मुस्तवार किए हुए है, दूसरा उनको तीसरा उनको प्रोटोकॉल दे रहा है। मुसलमानों जब तक जिहाद होगी और हाल होगा उस वक्त तक कामयाबी नहीं होगी, इसी अलामा कहते थे एक हो मुस्लिम धर्म की पासवानी के लिए, जब तक मुसलमान एक ना होंगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं होगी। दीन के शाहिद से लेकर बाबा के खासकर एक जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं होगी। और हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जब तक एक दीवार ईंट की तरह मुत्तहिद रहेगा एक होकर नहीं उसको अता करेगा, कामयाबी नहीं होगी। शरीयत का हुक्म क्या है कि जहाँ पे मुसलमानों पर जुलम हो रहा हो, पास वाले मुसलमानों पर परजहन हो जाता है कि वो कीमदार के लिए पेश होंगे, अगर वो भी उन काफिरों को न रोक सकते हो उससे दूर जो मुसलमान बैठे हैं उनके ऊपर फर्ज हो गया कि वो भी उनकी इमदाद को पहुँचे, अगर वो भी काबू नहीं पा रहे उनसे पीछे दूर जो मुसलमान बैठे हैं वो भी उनकी इमदाद को पहुँचे। इस हाल में तमाम मुसलमानों के ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि दुनिया के जिस खत्ते में बैठे हैं मुसलमान भाई की इमदाद को पहुँचे। ये इस्लाम का एक उसूल है, ये तरीका है, ये पैगाम है, तुम्हें पहुँचनी चाहिए मुसलमान की इमदाद के लिए। मुसलमान जिल्लत के लिए नहीं आया था, मजलूमी के लिए नहीं आया था, ये गालिब होने के लिए आया था, लेकिन हमने रवान अपने असूलों को छोड़ा, सिर्फ जुबानी कलामी नारे रह गए, जुबानी कलामी इमदाद की बातें रह गई, हमला ना कुछ हो सका ना कुछ किया जा सका। वरना आलम कुफ्र पहले अगर किसी एक औरत की इज्जत पर कोई यहूदी हाथ डालता था उसकी आवाज़ पे हुक्मरान लश्कर भेज दिया करते थे, और जब तक उसकी बात का जवाब उसको न मिलता था उस वक्त आराम से वो नींद नहीं आया करती थी। मेरे नबी के गुलामों, आज हमारे दुनिया के अंदर इस्लामी ताकतें उन्होंने इस हमीयत को छोड़ दिया, इस बात को सोचना छोड़ दिया एक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के साथ क्या किया जा रहा है, सिर्फ जमानी कलामी नारे रह गए। और एक साल नहीं, एक दिन नहीं, 20 दिन नहीं, सालों पे साल कितनी दाइयाँ गुजर गई, बेचारों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, और फिर भी उसके तालुकात उस्तवार किए जा रहे हैं, कारोबारों से लोग अपने अपने कारोबार उस्तवार किए जा रहे हैं। कोई इस बात पे जिस तरह बात में जान होती है ऐसी बात करने को तैयार नहीं। ये हकीकत है कि जब तक एक घर के अफराद इकट्ठे न होंगे, एक खानदान के अफराद मुतहद न होंगे वो अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते, एक गांव और एक शहर के लोग मुतफिक न होंगे वो दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जहाँ इतनी बड़ी बड़ी ताकतें मुखालिफ हो जाया करती हैं उसके लिए सब मुसलमानों का इकट्ठा होना लाजिम और ज़रूरी होता है, दुआ करना भी ज़रूरी है, माली फंडिंग करना भी ज़रूरी है, और जान देने की बारी आए तो जान के नजराने पेश करना भी ज़रूरी है। लेकिन हल इसका ये है कि मुसलमान हमारे और सरबरा हमारे मालिकत इस्लामिया जब तक मुत्तहिद होकर अपनी कोई पॉलिसी नहीं कायम करेंगे उस वक्त तक कभी आते आलम कुफ्र इस्लाम के मुकाबले में
कस्बा होने को तैयार नहीं लगा। मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल कुफ्रु मिल्लतु वाहिदा, फरमाया कुफ्र ये एक मिल्लत। अब हम उम्मीद रखें कि काफिर काफिर के मुकाबले में मुसलमान की इमदाद करेगा। हम अहले मगरिब पे उम्मीद लगाए बैठे हों, वो आके मुसलमानों की जान छुड़ाएगा, हो नहीं सकता। सदियाँ बीत गई हैं, ये तभी होगा जब मुसलमान मुसलमान की इमदाद के लिए खड़ा होगा, मुत्तहिद और मुत्तफिक होगा, तभी कोई नतीजा निकलेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में क्या से मौला हमारे दोनों कश्मीरी भाइयों की माफ़ी प्रदान फरमा, करम नवाजी फरमा, मुसलमान को हिम्मत अता फरमा, हुक्मरानों को हिम्मत अता फरमा कि मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों के जुल्म देख कर वो अपनी ताकत कुव्वत का मुजाहिदा करें और दिखाएं दुनिया को सिर्फ जलसे जुलूसों से कुछ नहीं होता, तब तक के मुसलमान सारे पूरी कुव्वत इरादी के साथ ये ध्यान नहीं देंगे कि हम आलम कुफ्र को उनके अपने अपने इलाका जात में हम मुकावत करेंगे और मुसलमानों के इलाका जात में आने से हम रोकेंगे, जब तक ये कुव्वत इरादी पैदा नहीं होगी उस वक्त तक आलम कुफ्र इसी तरह धन बनाता रहेगा। ज़रूरत है होते हैं तो मुतफिक होने की। फिर भी अलामा का शेर पेश करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका ये तर्जुमा मालूम होता है कि आगे ने फरमाया था मुसलमान मुसलमान के साथ ऐसे जैसे एक दीवार होती है, एक दीवार की एक ईंट दूसरी ईंट को ताकत अता करती है, शुद्ध बाद उबादा मिलजुल के एक दूसरे को पुख्ता करती है। जब ईंटें मिलकर एक दीवार इतनी मजबूत होकर बड़ी बड़ी छत वजन को उठा लेती है, मुसलमान मुसलमान के साथ जब शहाना पशाना होगा उस वक्त बड़ी से बड़ी कुव्वतों का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन जब तक एक कैफियत पैदा नहीं होगी एक वो मुस्लिम धर्म की खास पानी के लिए, जब तक इसमें वक्त पैदा नहीं होंगे छोटा था जी सूरत आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी होगी, फिर तीसरे की बारी होगी, फिर चौथे की बारी होगी। बहरहाल हम आज के इस खुतबे में जुमे में ये ऐलान भी करते हैं कि हम हर हाल में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, हमारा जान माल इज्जत आबरू उनके साथ है, हमारी आवाज़ उनके साथ है और हमारा ये मुतालबा है कि हुक्मरान पूरी दुनिया के हुक्मरान मुसलमान का की आवाज़ को समझें और इकट्ठे होकर आलम कुफ्र के मुकाबले के लिए तैयार हों, वरना मुसलमान और पीछे का समझाया जाता रहेगा। मैंने कई दफ़ा आपको शायद ये बात सुनाई हो, मैं हदीस पढ़ा करता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक वक्त आएगा दुनिया जुल्म और जोर से भर जाएगी तो मेरी नस्ल में से मेरी आँख में से एक इमाम आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, उसके बारे में नाम अब्दुल्ला होगा, मेरे नाम के साथ उसका नाम मिलता होगा, मेरा हाल मेरी हाल से होगा। वहाँ जब वो मैदान में उतरेगा तो वो इस सरजमीन को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देगा कमा हुआ जुल्म जिस तरह पहले जुल्म जोर से भरी हुई थी। वो इमाम अली अलैहि सलाम थे। मैं सोचता था इतने आलमी कवानीन हैं जी, इतने जाबते हैं जी, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं जी। इब्तदा में जब मैं पढ़ा करता था सोचता था कि ये दुनिया किस तरह जुल्म जोर से भर जाएगी, वो अपनी आंखों से देखा है। कभी तो क्यूबा में जिंदा इंसानों को दरिंदों की तरह डाल के पिंजरों में डाला जाता है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। कभी घरों में बंद करके 20-20 दिन तक उनका खाना पीना और दवाई बंद कर दी जाती है, तो कोई बड़ी ताकत आवाज़ उठाने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। दुनिया में बेशुमार मसाले जुल्म ढाए जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि रंगिया के मुसलमानों के आज़ा काटे जा रहे थे, उनके पास वो टाँगें काटी जा रही थी, 5-5, 10-10 को बांध को उल्टे हाथों में डंडे बरसाए जा रहे हैं और उनको घसीट घसीट के जल की आग में डाला जा रहा है, पेट्रोल पे डाल के आग लगाई जा रही है, औरतों को डाली आग लगाई गई, बच्चियों के सीनों पर फौजी दनदना रहे थे, कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो रही थी। मुझे ये बात समझ आई दुनिया में वो वक्त आते रहेंगे कि दुनिया जोर और जोर से भरती रहेगी और वो मेरे नबी का फरमान सच्चा होगा, किसी एक
ईसाई या यहूदी के ऊपर हाथ या कुछ दवाई हो जाए, मगरबी दुनिया की ताकतें फिर करके पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती हैं, लेकिन मुसलमानों को जानवरों की तरह काटा जा रहा है, गाजर गुजी की तरह काटा जाता है, लेकिन आवाज़ बुलंद नहीं होती। सच्चे मेरे नबी ने फरमाया था कि प्रोबेटा मुबाहिदा है ना, ये कुफ्र एक मिलत है, इसलिए इसको मुसलमान के खून में कभी तकलीफ और दर्द नहीं होगा। अस्तूफा से जुबान कराने जाएंगे, मुसलमान को मुसलमान की इमदाद के लिए करना होगा और मुसलमान हुक्मरानों को मुसलमान हुक्मरानों की इमदाद में पहुँचना होगा। इस्लामी अफवाज एक दूसरे का साथ देंगी तो फिर शुद्ध उपादा एक ईंट मिलकर दीवार मजबूत कर सकती है। इंसान इंसान की जब पुष्ट पढ़ाई करता है वो भी दीवार से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह करीम हमारे हुक्मरानों को तो मज़लूम कश्मीरी मुसलमान भाई के हाल के बयान पर आए।